Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you all the chapter number 8 of the subject English grammar. Kindly open your books. Chapter number 8, page number 25. Chapter ka name hai articles. Sabse pehle aaj ki date write aap log karenge. Is chapter ko start karne se pehle bahut simple si baat hamesha dhyan rakhein. तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द. इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन हमेशा यूज होता है सिंगुलर के लिए, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति, एक जानवर, एक सामान, एक जगह के बारे में बात करते हैं तब. ए का इस्तेमाल कब होता है? ए का इस्तेमाल तब होता है जब हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, और एन का इस्तेमाल होता है जब हम वोवल्स के बारे में बात करते हैं. फाइव वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से ये फाइव हो गए वोवल. 26 में से 5 माइनस करेंगे, बचेंगे 21. बचे हुए 21 अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. ये हो गए वॉवल्स, और बचे हुए 21 अल्फाबेट्स हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So, ये पांचों वोवल्स को छोड़ के बचे हुए 21 अल्फाबेट्स हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. अब एक ये अगर बात करें, अगर एक जन के बारे में बात करेंगे, एक चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पेन, तो पेन में आया पहला अल्फाबेट P. P हमारा वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम पेन के पहले लिखेंगे A. उसी तरीके से अगर मैंने यहां पे लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला अल्फाबेट है U, जो है हमारा वोवेल, तो वोवेल के पहले हम लिखते हैं N. तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है समझने के लिए. हमेशा A और N का यूज हम करते हैं सिंगुलर चीजों के लिए. ए लिखते हैं कॉन्सोनेंट अल्फाबेट के पहले, और एन लिखते हैं वोवेल अल्फाबेट के पहले. ये हो गई ए और एन की बात. अब कुछ वर्ड जैसे ऑनेस्ट, आवर, अब इन वर्ड्स में एच हमारा साइलेंट होता है. हम कैसे बोलते हैं ऑनेस्ट, आवर, तो हमको क्या सुनाई दे रहा है? ओ. हमारे मुंह से वॉइस कौन सी निकल रही है, साउंड कौन सी निकल रही है? ओ की, जो कि क्या है? वोवेल. तो हम ऐसे शब्दों के आगे भी एन लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ये सुनने में वोवेल सुनाई दे रहा है ओ. ऑलराइट, अब पढ़ते हैं द के बारे में डिटेल में, और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है, एज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. अ डॉक्टर, अ नर्स, अ रैट, एन एप्पल, एन ईगल. इनडेफिनेट इसलिए हैं क्योंकि ए और एन हम कभी भी किसी नाम के साथ नहीं लगाएंगे, जैसे अ राहुल, अ रीना, अ श्वेता, ठीक है? कभी भी नाम के साथ नहीं लगाते हैं ए और एन, इसीलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. रिमेंबर दैट द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. ये मैंने आपको समझा दिया. वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट. ये भी मैंने समझाया. अ का यूज होता है उन वर्ड्स के लिए जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से, और एन का यूज होता है उन वर्ड्स के लिए जो शुरू होते हैं वोवेल से. Examples: a boy, a cow, a pencil, a zebra, a university. अब देखिए यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ये क्या हैं? ये है हमारे कॉन्सोनेंट्स.
अब आप लोग एक चीज पूछेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले अ क्यों लगा है, राइट? क्योंकि यूनिवर्सिटी साउंड होता है वाई ओ यू, और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वोवेल साउंड. एप्पल, एग, आई, ओ, यू, ये क्या है? वोवेल्स. ए एंड एन आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये मैंने सबसे पहले समझाया, ए और एन का यूज होता है सिंगुलर और काउंटेबल के लिए. कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट आर्टिकल ए और एन. इन सेंटेंस में ए और एन का यूज करना है. फर्स्ट, जोकारो वॉज डैश गुड जॉइंट. अ गुड जॉइंट. अ क्यों? क्योंकि गुड का जी कॉन्सोनेंट है. लॉन्ग अगो स्कंक वॉज एन एनिमल विथ व्हाइट फर. एन क्यों? क्योंकि एनिमल का ए है वॉवेल. जोकारो एंड स्कंक वेंट ऑन अ डिफिकल्ट जर्नी. अ इसलिए क्योंकि डी है कॉन्सोनेंट. सम पीपल वर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ अ डीप स्नोफॉल. अ इसलिए क्योंकि डीप में डी है कॉन्सोनेंट. स्कंक बिकेम एन एंग्री क्रिएचर ड्यूरिंग द ट्रिप. एंग्री में ए वॉवेल है इसीलिए एन. जोकारो स्पोक टू अ लार्ज बर्ड विथ व्हाइट फेदर्स. अ इसलिए क्योंकि लार्ज में एल है कॉन्सोनेंट. ऑन द वे होम स्कंक सॉ एन ईगल. एन इसलिए क्योंकि ईगल का ई है वॉवेल. स्कंक टाइड डे ईगल्स विंग्स विथ अ पीस ऑफ ट्वाइन. आ इसलिए क्योंकि पी है कॉन्सोनेंट. टुडे द स्कंक हैज अ ब्लैक कोट विथ व्हाइट स्ट्राइप्स. आ इसलिए क्योंकि ब्लैक का बी है कॉन्सोनेंट. ही ऑल्सो हैज एन ऑर्डर दैट नो बडी लाइक्स. एन इसलिए क्योंकि ऑर्डर का ओ है वॉवेल. नेक्स्ट पेज में अब आएंगे द के बारे में समझने के लिए. वी यूज द विथ सिंगुलर नाउन दैट नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यूज द बिफोर ऑल प्लूरल नाउन्स. ओके, द का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन या थिंग के बारे में बात करें, और द हम प्लूरल नाउन्स के पहले भी कर सकते हैं. रीड ईच सेंटेंस देन अंडरलाइन ईच आर्टिकल वंस एंड अंडरलाइन द नाउन दैट ईच आर्टिकल पॉइंट्स आउट ट्वाइस. फर्स्ट, टू मच स्नो वॉज कॉजिंग एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम फॉर हंटर्स. सो आप सबसे पहले लिखेंगे एन. एन क्या है हमारा? एन हमारा है आर्टिकल, और प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन करेंगे. स्कंक टाइट द डेज ईगल विंग्स. द आर्टिकल, डेज ईगल्स अंडरलाइन. स्कंक वॉन्टेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. एन इम्पॉर्टेंट. जोकारो गेव स्कंक अ हार्श पनिशमेंट. अ पनिशमेंट. दे वेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टू मच स्नो. द प्रॉब्लम. स्कंक एंड वॉक्ड नॉर्थ टू सी द स्नो बर्ड. द स्नो बर्ड. द स्नो बर्ड लिव्ड ऑन अ हिल टॉप. अ हिल टॉप. स्नो प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स इन विंटर. द प्लांट्स. वेन स्नो मेल्ट्स इट फिल्स द रिवर्स. द रिवर्स. Each sentence is missing two articles. Add the articles and then write the sentence correctly. In sentences में articles missing है, हमें articles को add करके इन sentence को दोबारा लिखना है. मैंने इसी sentence में जोड़ दिया है, लेकिन आप लोग इस sentence को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे. जैसे first, Zokaro made enormous footprint in snow. Zokaro made an enormous. An क्यों? क्योंकि enormous शुरू हो रहा है e से, जो है हमारा आर्टिकल, सॉरी जो है हमारा वोवेल. फुटप्रिंट इन द स्नो. स्नो से पहले द. अनदर बर्ड वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ हिल. तो इस सेंटेंस को दोबारा कैसे लिखेंगे आप लोग? जोकारो मेड एन इनॉर्मस फुटप्रिंट इन द स्नो. अनदर बर्ड वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल. स्कंक थॉट द जायंट बर्ड. द जायंट स्नो बर्ड वॉज अमेजिंग क्रिएचर. Skunk was an excellent cook, so he prepared meals. Only day, one day, a messenger came to see Great One.
In the old days, all the animals admired the skunk because he had beautiful coat. So, ये words add करके आप लोग इस sentence को दोबारा लिखेंगे. Number 7. During the night, skunk tied a wing of this great bird. Skunk did an evil thing to the bird called the day eagle. अब देखना है कि the लिखने के rules क्या होते हैं, the add करने के rules क्या होते हैं. The article the is a definite article. A or an indefinite होते हैं क्योंकि किसी भी नाम के साथ use नहीं किए जाते हैं. And it is used before a specific or definite person or thing. The definite है क्योंकि हम specific person या thing के पहले the का use करते हैं. अब the कहाँ कहाँ use होगा? Ordinal numbers के पहले. Ordinal numbers क्या होते हैं? The first, the second, third, fourth. जब हम ऐसे लिखते हैं तो the लिखेंगे. The superlative degree of comparison. Superlative, the best, the highest. तीन degrees होती हैं adjectives की. Positive, comparative, superlative. Superlative के पहले हम the लगाते हैं. Names of unique things. Unique things के पहले जैसे the earth, the sun, the sky, the stars. Names of nationalities, races and communities. जैसे the Australians, the Americans, the Indians, the Hindus, the Sikhs, the Muslims. ऐसे लिखेंगे तो भी the लिखेंगे. Countries के पहले. Mountain ranges और deserts के पहले the Himalayas, the Sahara Desert. Rivers, seas और oceans के पहले the Yamuna, the Arabian Sea, the Ganga. Important buildings के पहले जैसे the Red Fort, the Taj Mahal, the Golden Temple. Newspaper और holy books के पहले the Times of India, the Bible, the Gita, the Quran. तो इन सब के पहले हम the का use करते हैं. Make sentences using a or an with the group of words. Use suitable verbs where required. First, exciting to see water life. हमें articles add करके इस sentence को unjumbled करके लिखना है. ये jumbled words हैं. To see a water life is exciting. Next, number दिया है. Scary to dream ogre लिखेंगे. It is scary to dream an ogre. Dangerous to leave bonfire burning. To leave a bonfire burning is dangerous. Great to meet president of country our. To meet our president of country is great. Rude to interrupt conversation. To interrupt the conversation is rude. Easy to get tickets latest movie show. To get the tickets of a latest movie show is not easy. Read this story about Florence Nightingale. Fill in A and the. A and या the use करना है. A use करेंगे किसी indefinite specific person के बारे में बात ना हो रही हो तब और consonants के पहले. And का use करेंगे vowels के पहले और the का use करेंगे जब हम definite किसी के बारे में बात कर रहे हों. Florence was a kind girl. As a young girl, she liked to look after the sick farmers. One day, Florence saw an old shepherd's dog hurt. She bandaged the broken leg with love and care. When she grew older, she decided to become a nurse. When she told her parents that she wanted to be a nurse, they were very angry. Her mother locked her up in a room. Finally, her father allowed her to go to study at the Kaiserswerth Hospital in Germany. Florence was an excellent student. After the graduation, she came back to the city of London. She got a job of running the hospital. Florence went to Crimea to help the wounded soldiers in England. The soldiers at the hospital thought that Florence Nightingale was a great lady. Florence carried a lamp as she walked in the hills of the hospital at night. She became known as the lady with the lamp. Florence Nightingale को Lady with the Lamp बोला जाता है. So, ये हमने articles को fill up कर लिया. अब आप लोग देखिए आप लोग copy में क्या write down करेंगे जो बहुत important है. सबसे पहले chapter का number, chapter name, आज की date. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक copy में लिखेंगे जैसे book में लिखा है. ये work है आपका copy का. बाकी एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास.
चैप्टर नंबर 8 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर इज ओवर टुडे. अब चैप्टर नंबर 9 हम स्कूल में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.